हेलो गाइस, वेलकम टू हैरीज व्लॉग्स। आज है 11th ऑफ अक्टूबर। मैं हूं अभी मुंबई सेंट्रल में एंड टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि भाई इतने DMs आए हैं, इतने कमेंट्स आए हैं कि भाई आप कब ट्रैवल कर रहे हो मुंबई अहमदाबाद। तो फाइनली इस वाले व्लॉग में आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद इन वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि एक सेमी बुलेट ट्रेन है, समझी जाती है बाई इंडियन रेलवेज, और मेरे नज़रिए में भी ये सेमी बुलेट ट्रेन है। यस, मुंबई से अहमदाबाद हम कवर करेंगे 5 घंटे कुछ मिनट में, जो कि पहले 6 घंटा था, 1 घंटा कम हो गया है। ठीक है, अभी मैं हूँ मुंबई सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे एंड दिस इज वंदे भारत जो मेरे सामने खड़ी है। भाई दिस ट्रेन लुक्स अमेजिंग। लुक्स के मामले में तो भाई ये ट्रेन कहीं से डिसअपॉइंट करती ही नहीं है। इस वाले व्लॉग में हम ट्रैवल कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव चेयर कार E1 में। ये जो रैक है ये अपग्रेडेड है, मतलब जो पहले की वंदे भारत है ना उसके कंपेरिजन में दिस इज अपग्रेडेड वन, सो दिस इज बेटर। अंदर से भी मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी बढ़िया है। क्या फीलिंग आ रही है गाइज। मेरी सीट है 29 सीट है। कहाँ गई भाई, ये है मेरी सीट, विंडो 29। ये है इंटीरियर, एक एक करके देखते हैं भाई क्या क्या है इसमें। बट अगेन वंस अगेन फिर से बोलूँगा कि इट लुक्स अमेजिंग। व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ वर्क। ऐसा लग रहा है कि कोई स्विट्ज़रलैंड की ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, स्विट्ज़रलैंड से पेरिस। लुक्स तो वाकई में बहुत ही कमाल के बनाए हैं। आपको पता है कि मैं इतनी जल्दी फिसलता नहीं हूँ, ना ही मैं इतनी जल्दी तारीफ़ करता हूँ, बट बाहर से देखने में क्लास बनाई है, क्लास। अब बात करते हैं अंदर से, इंटीरियर देखते हैं। तो ये है एग्जीक्यूटिव चेयर का, दो का कॉन्फ़िगरेशन है। ये दरवाजे देखो बहुत ही कमाल के हैं। अगर आपको धूप से बचना है तो इसको आप नीचे कर सकते हो चाहो तो। एंड ये भी थोड़े अपग्रेडेड बनाया है, मतलब आपको कुछ लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे करोगे नीचे हो जाएगा, ऊपर करोगे ऊपर हो जाएगा, मतलब लॉक वाला कोई सिस्टम नहीं है इसमें। इसके अलावा ये है टॉक बैक यूनिट, अगर आप इसमें पुश करोगे तो आप कुछ बात कर सकते हो चाहो तो, बट आई थिंक करना नहीं है, कुछ इमरजेंसी में यूज़ करना है इसको। इसके अलावा ये है वॉशरूम इस ट्रेन का, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी खुला वॉशरूम है एंड काफ़ी अपग्रेडेड है वंस अगेन। यहाँ पर देखो रूम फ्रेशनर वगैरह लगा हुआ है, फायर एक्सटिंग्विशर भी है, फ्लश का सिस्टम भी थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पे और एंड ये डोर्स जो है ना ये ऑटोमेटिक है, ठीक है, अपने आप बंद हो जाएंगे, अपने आप खुल जाएंगे। तो आपको लेग रूम मिलता है एग्जीक्यूटिव चेयर कार में, वो बहुत ज़्यादा मिलता है। और चाहो तो आप इन सीट्स को घुमा सकते हो, अगर आप यहाँ प्रेस करोगे तो। कहाँ प्रेस करना है, आई थिंक यहाँ पे, हाँ अगर यहाँ प्रेस करोगे तो ये सीट घूम जाएगी, ये ऐसे घूम जाएगी अगर यहाँ प्रेस करोगे तो। अगर आपको खाना खाते हुए इन्जॉय करना है तो आप वो भी इन्जॉय कर सकते हो। तो अब इसको यहीं रख देते हैं एंड ट्रे टेबल निकालनी है तो यहाँ से ट्रे टेबल निकाल सकते हो। बट भाई इसमें जर्नी करना, मतलब सीरियसली भाई बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत ही ज़्यादा। CCTV कैमरा वगैरह भी दिया हुआ है फॉर सेफ्टी रीजंस एंड डोर्स आर ऑटोमेटिक। और ये जगह देखो कितनी खुली है, और ये तो लग रहा है कोई मेट्रो स्टेशन, मतलब खुला सा। जो दूसरी वाली वंदे भारत थी तो आपको पता होगा कि सेंटर टेबल होता था बीच में, है ना, जिसमें दो सीट्स ऐसे दो सीट्स वैसे होती थी, लेकिन इसमें सेंटर टेबल का कोई सीन नहीं है फॉर सम रीज़न। आई थिंक अच्छा ही हुआ नहीं है गाइस, बिकॉज सारे पैसेंजर्स के पास अपनी अपनी प्राइवेसी रहेगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो सीट नंबर इसमें यहाँ पे भी लिखा हुआ है एंड वहाँ पे भी है। ऑल्सो मुंबई से निकल के नेक्स्ट स्टॉप इज स्ट्रेट सूरत, तो बोरीवली भी नहीं रुकते, सूरत के बाद बड़ौदा, बड़ौदा के बाद स्ट्रेट अहमदाबाद, दो स्टॉप हैं। तो ऑफकोर्स भाई इसकी स्पीड जो है बढ़ा दी गई है, स्टॉप्स कम कर दिए गए हैं, तभी तो ये 5 घंटे में पहुंच रही है, वरना 6 घंटे में ही पहुंचती। लेकिन क्या फीलिंग आ रही है गाई, बहुत ही एलिगेंट फीलिंग है इसकी। USB पोर्ट और चार्जिंग सॉकेट इधर है, और अगर मुझे सीट रिक्लाइन करनी है बाय चांस तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। देखो ये रिक्लाइनर दिया हुआ है, इसको प्रेस करूँगा तो ये सीट जो है पूरी पीछे हो जाएगी, काफ़ी हद तक पीछे हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे बॉटल होल्डर भी दिया हुआ है, इधर है बॉटल होल्डर, पहले इधर होता था ना, अभी इधर दे दिया है। तो भाई सामने जो है लेग स्पेस एक नंबर है, मतलब प्लेन का बिजनेस क्लास बोल सकते हो आप इसको। और कांच बिल्कुल साफ, बिल्कुल बढ़िया। ऊपर सामान रखने जगह है वो भी थोड़ी ब्रॉड कर दी है इन्होंने, ज़्यादा कर दी है। तो जो ये कह रहे हैं ना कि वंदे भारत अपग्रेडेड है, दैट इज़ ट्रू, ये अपग्रेडेड है, ये बेटर है,
पिछली वाली वंदे भारत को इन्होंने एनालाइज किया, समझा, देखा कि क्या कमियां हैं, और वो कमियां सारी ख़त्म कर दी इस वाली ट्रेन में, जो कि बहुत बढ़िया है। टॉकिंग अबाउट द प्राइस, तो मैंने पे किए हैं 2,600 रुपये फ्रॉम मुंबई टू गांधीनगर। अगर आप मुंबई से अहमदाबाद जाते हो तो पे करोगे 2,300 इन एग्जीक्यूटिव क्लास, ठीक है। अब बात करते हैं चेयर कार की। अगर आप जा रहे हो मुंबई से अहमदाबाद इन चेयर कार, आप पे करोगे 1,250, एंड अगर मुंबई से गांधीनगर जाओगे तो यू वुड पे अराउंड 1,400-1,500। ज़्यादातर पब्लिक तो मुंबई से अहमदाबाद जाने वाली है, उनको पे करना पड़ेगा 1,300। 1,300 में यू गेट दिस फैसिलिटी, नॉट अ बैड डील। चंडीगढ़ से मैं निकला, 2 दिन पहले अपने टिकट्स बुक किए हैं, तो पहले मैंने चंडीगढ़ से दिल्ली की बुकिंग की, फिर मैंने दिल्ली से मुंबई की बुकिंग की, फिर मुंबई से मैंने अभी ये बुकिंग की वंदे भारत की। मेरी ना बुकिंग एक्सीड भी हो गई थी, इतनी ज़्यादा बुकिंग करता हूँ मैं महीने में कि कई बार तो भाई लगता है कि यार, कभी आपने सोचा है कि अगर मैं इतनी बुकिंग करता हूँ 100% मेक श्योर करता रहूँगा कि जहाँ से मैं बुकिंग करूँ वो सबसे चीपेस्ट हो, तो अगर चीपेस्ट नहीं हुई तो भाई मेरे पॉकेट के तो लग जाएंगे कसम से। इतने DMs, इतने कमेंट्स, कहाँ से बुकिंग करते हो? लेट मी टेल यू, सारी बुकिंग्स मेरी होती हैं ट्रेन मैन एप्लीकेशन से, जहाँ पे मुझे टिकट सबसे चीपेस्ट मिलती है कंपेयर टू एनी प्लेटफॉर्म। नो एजेंट कमीशन फी, मतलब जब भी बुकिंग करो तो वो एजेंट कमीशन फी, पेमेंट गेटवे चार्जेस आ जाते हैं, टिकट का प्राइस होता कुछ है लेकिन फिर हो कुछ जाता है, लेकिन भाई इसमें ऐसा कोई लफड़ा नहीं है और मेरी बचत भी हो जाती है। आप भी चाहो तो बचत कर सकते हो। वैसे ट्रेन मैन इज द फास्टेस्ट ट्रेन बुकिंग ऐप, ऑथराइज्ड पार्टनर है IRCTC का, तो ट्रस्ट का तो सवाल ही नहीं उठता। काफ़ी आसान है 2 स्टेशन के बीच में ट्रेन देखना ट्रेन मैन एप्लीकेशन में। प्रिडिक्टिव एनालिसिस यूज करता है, जिसमें से आपका PNR स्टेटस जितना भी रहेगा ना, उसका प्रिडिक्शन बहुत एक्यूरेट करेगा कि वो कन्फर्म होगा कि नहीं। तो मतलब अगर बाई चांस आप कुछ बुकिंग कर रहे हो, आप कन्फ्यूज हो कि भाई कन्फर्म होगी कि नहीं, तो ट्रेन मैन एप्लीकेशन आपको बहुत हद तक एक्यूरेटली बता देगा। आपके पैसे भी बचेंगे, आपका टाइम बचेगा, जितने भी ट्रेन्स हैं 2 पर्टिकुलर रूट के बीच में उनके सारे प्राइसेस आप कंपेयर कर सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि भाई बुकिंग कैसे करनी है, ट्रेन मैन के ऐप या वेबसाइट पे जाना है, ट्रेन सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मैंने वंदे भारत एक्सप्रेस बुक की थी, मैंने वंदे भारत एक्सप्रेस को सेलेक्ट किया था, अपनी डिटेल डालनी है, बस फिर क्या प्रोसीड कर देना है, IRCTC का यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, दैट्स ऑल। कन्फर्मेशन आपको ईमेल और SMS के थ्रू आ जाएगा। PNR स्टेटस भी देख सकते हो, 60 सेकेंड में रिफंड भी आ जाएगा। अगर आप ट्रेन से बहुत ऑफन ट्रैवल करते हो, सबसे चीपेस्ट टिकट बुक करना चाहते हो, तो डाउनलोड ट्रेन मैन एप्लीकेशन एंड यूज माई कोड HARRY50, 50 रुपये आपको ऑफ हो जाएगा आपकी टिकट में। तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, गो डाउनलोड ट्रेन मैन एप्लीकेशन नाउ। अगर आप अपने फ्रेंड्स फैमिली को रेफर करते हो तो आप जीत सकते हो 10,000 रुपीज़ इन योर ट्रेन मैन वॉलेट, मतलब भाई 3-4-5 महीने की ट्रेन टिकट एक साथ फ्री में जीतने का मौका है, तो रेफर भी करो। एंड यूज माई कोड HARRY50। अगर मैं इस साइड जाऊँगा तो मैं पूरा इंजन भी देख सकता हूँ, मतलब जब ये ट्रेन इस साइड जाएगी, मतलब जब हम इस साइड जाएंगे तो इसका इंजन होगा उस साइड, एंड इस साइड जाएंगे तो इसका इंजन होगा इस साइड। जैसे मेट्रो ट्रेन होती है ना, बिल्कुल वैसा ही सिस्टम है इसका, कुछ मतलब इंजन वगैरह वाला सिस्टम नहीं है। निकलने को बचा है 10 मिनट, भी हमको मिला ये न्यूज़पेपर पढ़ने को। ट्रेन चलने से पहले सर्विसेज शुरू हो गई हैं, फाइनली डोर्स आर ऑटोमेटिक, कई दरवाजे बंद हो चुके हैं, ऑटोमेटिक डोर्स हैं। 6:10 को डिपार्चर है बट 6:09 को ही दरवाजे बंद हो गए। वी आर फाइनली अबाउट टू लीव, फाइनली वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम मुंबई एग्जैक्टली एट 6:10। ये मुंबई सेंट्रल बहुत ही साफ दिखता है गाइस, काफ़ी साफ स्टेशन है, तो यहाँ पे सनराइज थोड़ा बाद में ही होता है, मतलब अराउंड 6:25 का सनराइज है, मतलब जब हम बोरीवली से भी आगे निकल जाएंगे। हुआ नहीं है एंड आई थिंक कुछ इमरजेंसी ब्रेक वगैरह लगी है, पता नहीं। तो यहाँ से निकल के सीधा अगला स्टॉप सूरत है। रीडिंग लैंप्स भी हैं, इसको प्रेस करोगे तो ये रीडिंग लैंप शुरू हो जाएंगे। मेरा एक पर्सनल सोचना है, मुझे कमेंट करके बताना कि मैं सही सोच रहा हूँ कि नहीं। जैसे एग्जीक्यूटिव क्लास है फॉर एग्जांपल वंदे भारत का, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए ब्लैंकेट्स भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं पैसेंजर्स को। कई बार ठंड लगती है, कई बार किसी को सोने का मन है, जैसे ये जो रिक्लाइन हो जाती है काफ़ी, तो अगर ब्लैंकेट भी दे दिए जाएँ सोने के लिए, काफ़ी मतलब सर्विसेज इन्हांस हो सकती हैं। क्या सोचते हो,
कमेंट डाउन बिलो। हल्की हल्की सुबह होनी शुरू हो गई है, दादर से हम आगे आ चुके हैं और अभी हमको मिली है पानी की बॉटल। आजकल तो पानी की बॉटल छोटी वाली मिलने लगी है ना, बट अभी इसमें हमको बड़ी वाली मिली है फॉर सम रीजन, तो इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ। कुछ अलग सिस्टम है, बॉटल होल्डर्स नीचे दिए जैसे कि मैंने बोला। क्या लग रहा है यार, अलग ही फीलिंग, अलग ही खुशबू सी आ रही है, बिल्कुल जैसे नए कोचेज है ना। ऑफकोर्स भाई अंदर से खुशबू भी अलग ही आ रही है। अभी चाय के लिए हमको ये ग्लास दिए हैं, प्लास्टिक के ग्लास दिए हैं एग्जीक्यूटिव में, पता नहीं क्यों। ये हमको मिली है इंस्टेंट जिंजर टी, पैकेट वाला सिस्टम है, इसमें मिल्क पाउडर वाला सिस्टम नहीं दे रहे ये लोग, अच्छी चीज है। हैंड सैनिटाइजर दिया हुआ है, यहाँ पे बिस्किट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आई थिंक गाइस कटलरी देनी चाहिए थी इन माय ओपिनियन, भले ही इंटीरियर कितना भी अच्छा हो लेकिन केटरिंग खैर वैसी है, बट देखते हैं। खैर अभी जज नहीं करना चाहिए, बट एंड तक देखेंगे भाई केटरिंग कैसी है इसकी। वैसे ये पैकेट वाली चाय अच्छी तो होती है, वो कप कप कैसा डीला सा है, कभी भी टूट सकता है कप। ऑल्सो आपको लग रहा होगा ना मेरी आईज थोड़ी सी सूजी हुई हैं, बिकॉज मैं रात भर सोया नहीं हूँ। मेरा प्लान था भाई जो अपना अर्बन पॉड है ना वहाँ पे सोने का, बट अर्बन पॉड में कुछ खाली नहीं मिला मुझे। सोच के आया था कि मैं 10 बजे जाके सो जाऊंगा, बट इट वॉज कम्प्लीटली सोल्ड आउट। उस चक्कर में पूरी रात मैं बैठा रहा और सो नहीं पाया हूँ। ये ट्रेन देख के मेरी नींद ही खुल गई। सो फार सो अमेजिंग। जो भी बंदा बाहर से देख रहा है वो कैमरे से देख रहा है भाई, जहाँ से भी ट्रेन निकल रही है ना हर किसी के कैमरे बाहर आ जाते हैं, आने भी चाहिए। हमको मिला है अभी कॉर्नफ्लेक्स, अब कटलरी पता नहीं मिलती है कि नहीं मिलती। और हाँ एक चीज़ डिफरेंट मिली है कि इस बार हमें अमूल का ताज़ा मिल्क दिया है, विल बी प्योर मिल्क। पहले पानी डाल के मिक्स करके देते थे ना, और ये क्या है हनी टब। अरे वाह भाई, शक्कर की जगह हनी डाल सकते हैं, ये सबसे बेस्ट अपग्रेड लगा ऑनेस्टली। ये भी और ये भी दोनों बहुत अच्छा अपग्रेड है, बट लेट्स सी कटलरीज देते हैं कि नहीं, बिकॉज आई थिंक देनी चाहिए मेरे हिसाब से। सो फार सो अमेजिंग, फाइनली कटलरी दे दी। इस ट्रेन का एक्सेलरेशन मतलब अलग 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 ही लेवल है। जब से हम निकले हैं मुंबई से तो बोरीवली के पहले बस अब थोड़े स्लो डाउन हुए थे, उसके बाद तो कॉन्स्टेंटली मतलब बस चली जा रहे हैं। दो घंटे में हम होंगे सूरत में, तो भाई एवरेज स्पीड अराउंड 84-82 किलोमीटर है। देते तो है केटल से निकाल के, लेकिन उसमें पानी मिक्स होता है। दिस इज प्योर मिल्क हनी एंड कॉर्नफ्लेक्स, प्योरिटी इज 100 मैक्स। द ब्रेकफास्ट इज हियर, मैंने लिया है वेज, क्योंकि ये ट्रेन जा रही है गुजरात, तो इसलिए जो ब्रेकफास्ट है गुजराती ब्रेकफास्ट है। तो ये है ढोकला, ऊपर लिखा हुआ है इसलिए बता रहा हूँ, ये है उत्तमा ढोकला, उत्तमा ये है थेपले। देखो ये जो थेपले है ना सिर्फ वंदे भारत में मिलेंगे आपको, और कोई ट्रेन में फिलहाल तो नहीं मिलेंगे मुंबई से। 8 अक्टूबर को पैक हुए हैं और आज है अराउंड 11 अक्टूबर, तो तीन दिन पुराने हैं, चल जाएगा। तो ढोकले उत्तमा थेपले काफ़ी हेल्दी काफ़ी बढ़िया ब्रेकफास्ट है, और साथ में मफिन्स मिले, इसके अलावा हमको जूस मिला है, एंड आई थिंक चाय वगैरह भी आप चाहो तो मिल सकती है आपको, बट मैं चाय कॉफ़ी तो नहीं पीऊँगा। और ये आलू भाजी भी मिली है, पता नहीं ये किस लिए दी है ये मुझे नहीं पता, मे भी ढोकले के साथ खाते हैं शायद इसको ऑथेंटिकली, टू मेक इट लुक प्रॉपर ऑथेंटिक गुजराती ब्रेकफास्ट। अब ये मुझे नहीं मालूम था कि भाई आलू भाजी भी खाते हैं, ठीक है इसके साथ ही देखो। और ये कटलरी वगैरह दी है, बट ये वुडन की है, स्टील वगैरह का काम कुछ भी नहीं है। ऑल्सो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास का ब्रेकफास्ट बिल्कुल सिमिलर है, कुछ कटलरी वगैरह कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, तो नॉर्मल बस ये प्लास्टिक के एल्युमिनियम के फॉइल में ब्रेकफास्ट दे दिया, तो इसमें कुछ सीन नहीं है। और ये क्या है, और ये दही दी हुई है। तो ये रहे ढोकले उत्तमा आलू की कोई सब्जी है, इसमें लिखा था शायद इसको ढोकले के साथ खाते हैं, तो ये ढोकला ट्राई करते हैं के साथ, आई होप सो अच्छा लगे। गाइस आई डोंट नो इसको खाते हैं कि नहीं इसके साथ, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेट्स सी। ऑनेस्टली ढोकला मुझे हमेशा से ही बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट रहा है हमेशा से, एंड पूरी की पूरी गुजराती क्विजीन मेरी फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट। तो भाई यूजली जो है ना ढोकला थोड़ा सा स्वीट टेस्ट करता है यूजली, इसमें चाशनी नहीं है बिल्कुल भी, देखो बिल्कुल ड्राई है, ड्राई ढोकला है। ठीक लगा मुझे, मतलब उतना खास नहीं लगा इसके साथ खाने में भी,
आई वुड गिव अराउंड 7/10. काफ़ी ठीक है टेस्ट में, उतना खास नहीं लगा और प्रेजेंटेशन भी ठीक ही लगी, नॉट एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. तो अभी उत्मा ट्राई करते हैं एक बार, देखते हैं भाई उत्मा कैसा है. पता नहीं इसके साथ खाते हैं कि नहीं, मैं तो ऐसी बस कुछ किसी भी चीज़ के साथ मिक्स कर रहा हूँ. ट्राई करता हूँ ये कैसा है. उत्मा भी ठीक है, बढ़िया है, 8/10, काफ़ी बढ़िया है. ठीक है गाइस, 8/10 दे सकते हैं. ढोकले को भी, ढोकले को थोड़ा कम दूंगा, वैसे इसको 8/10 दे सकता हूँ. तो एक बार ये ट्राई कर लिया, ये ट्राई कर लिया, ये ट्राई कर लिया, एक बार ये थेपला भी ट्राई कर लेते हैं. तो ये रहा थेपला, 2-3 दिन पुराना है एनीवे, इसको ट्राई करके देखते हैं कैसा है. वैसे मैंने थेपले बहुत खाए हैं पहले पास्ट में, मेरे को हर बार ही अच्छे लगते हैं एंड वन ऑफ माई फेवरेट स्नैक ऑनेस्टली. जो हैरीज ब्लॉग्स को देख रहे हैं उनको पता ही है कि गुजराती क्यूजिन मेरी फेवरेट है. 10/10, इसको 10/10, बहुत बढ़िया है. ये तो मैं एक्स्ट्रा मंगाऊंगा. डन विद द ब्रेकफास्ट. थेपले एक नंबर थे यार, बहुत मस्त लगे मुझे थेपले और आलू का कॉम्बिनेशन, एक तरफा था. बाकी उत्मा भी बढ़िया था एंड बस हाँ ढोकले थोड़े अजीब से थे. लगभग अराउंड 94 किलोमीटर दूर हैं अभी सूरत से, लगभग अराउंड 20 मिनट लेट चल रहे हैं. तो अब ब्रेकफास्ट तो हो ही गया है मेरा और अभी मैं पी रहा हूँ जूस आराम से. तो भाई थोड़ा रेस्ट करते हैं. So right now it's 9:05. We are in Surat. 5 minutes का stop है. 10 minutes late आए हम यहाँ पे, ठीक है. So बाहर नहीं खड़े होने का, यहाँ बहुत rush है guys, बहुत public है. So it's better to go inside. For some reason यहाँ से बहुत public चढ़ी है and वहाँ पे line भी लगी हुई थी बहुत लंबी, तो मैं बाहर नहीं रुका. Line पे लग जाऊँ by chance train चल पड़े, it doesn't make sense. Doors automatic है. Executive में भी बहुत सारे लोग चढ़े हैं, chair car में भी बहुत सारे लोग हैं, इसलिए भाई मैं अंदर आ गया हूँ. अगला stop सीधा बड़ौदा है. तो दो ही stops हैं जैसे कि मैंने बोला, पहला एक सूरत बड़ौदा एंड सीधा अहमदाबाद एंड देन गांधीनगर, गांधीनगर कैपिटल रीजन. एक्चुअली ट्रेन गांधीनगर तक है. सो गाइस वी लेफ्ट फ्रॉम सूरत और यहाँ की मफिन बचा था, इसको मैं खा रहा हूँ. गाइस इट लुक्स अमेजिंग, बहुत ही अलग व्यू आ रहा है पीछे से. दिस इज़ चेयर कार बेसिकली, ये ब्लू कलर की सीट्स काफ़ी बढ़िया लग रही है ऑनेस्टली और अच्छी लग रही है काफ़ी. दिस लुक्स ब्यूटीफुल. सो राइट नाउ इट्स 10:23, वी आर इन वडोदरा. 10:10 को आना था इधर, वैसे भी यहाँ पे 2-3 मिनट का स्टॉप है, ज़्यादा मैं उतर नहीं रहा हूँ बिकॉज यार दरवाजे वैसे भी ऑटोमेटिक हैं. तो ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और हम आए हैं 2 में एंड यहाँ से लगभग अराउंड 100 किलोमीटर और है. तो भाई साहब समझ नहीं आया कब 6 बजे निकले, 100 किलोमीटर बचा है अहमदाबाद. So guys, we left from Vadodara. Agla stop is straight Ahmedabad. I think यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वडोदरा. अभी हो रहा है 10:25 और 11:25 का राइट टाइम है अहमदाबाद में. तो आई होप टाइम से पहुँचे. ऑलमोस्ट रीचिंग अहमदाबाद, सामान वगैरह मैंने निकाल लिया है एंड वी आर डॉट ऑन टाइम. 11:25 का टाइम है और 11:16 को हम लगभग अराउंड 10 किलोमीटर दूर है अहमदाबाद से. लाइक वी आर डॉट ऑन टाइम. राइट नाउ इट्स 11:27 और एग्जैक्टली 11:25 को हम अहमदाबाद में थे. और भाई साहब क्या जर्नी रही है गाइज, व्हाट अ जर्नी इट हैज़ बीन. भाई साहब मज़ा आ गया यार सीरियसली.